बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या कनाब दुआई या कनसाइन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके साथ बड़ी खबर, आपकी अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको प्रमोशन के मुतालिक देने जा रहा हूँ। बड़ी खबर जो है वो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की तरफ से अभी लेटेस्ट जो है वो अनाउंसमेंट सामने आई है। उन्होंने खुद इम्तिहानात की कैंसिलेशन के मुतालिक 100% जो है वो मैं रियल न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो अफवाह में फंसे हुए हैं, उनको मैं रियल न्यूज़ देने जा रहा हूँ। अभी लेटेस्ट जो है शफकत महमूद की तरफ से अनाउंसमेंट आई है। अब तक की बड़ी खबर तमाम तलबा को देने जा रहा हूँ। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद को उनकी तरफ से तलबा के लिए, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और साथ साथ तलबा की परेशानी में इजाफा भी हो रहा है, क्योंकि 10th क्लास के इम्तिहानात ईद के फौरी बाद जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इस पर आपको मैं इंतहाई आम खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हैं, क्योंकि उनके इम्तिहानात ईद उल अज़हा के फौरी बाद दिए जाएंगे और ईद उल अज़हा पर कोरोना की जो है वो सख्त उसमें भी इजाफा हो रहा है। कोरोना की चौथी लहर जो है उसमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। NCUC की तरफ से डेली बेस पर ट्वीट किए जा रहे हैं, आवाम को खबरदार किया जा रहा है कि कोरोना की चौथी लहर बड़ी खतरनाक है। तो अब बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपनी जो है वो लेटेस्ट स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि हमें प्रमोट करो, तो उस पर उन्होंने प्रमोट करने के मुतालिक बड़ा इशारा दे दिया। तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अब तक की बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि अगर हमें हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्डर देती है, बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, कि कोविड के केसेस अगर खुदा ना खास्ता ज्यादा हैं तो हम प्रमोशन के मुतालिक एक फार्मूला तैयार करके स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जाम प्रमोट करेंगे। बड़ी खबर है अब तक की, इस हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर